नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके पहले आज गणतंत्र दिन है, तो 26 जनवरी की प्रजातंत्र दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो टेक्निकल इंजीनियर में आज हम शुरू करने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से होंगे हम देखेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल में हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, होनीकॉम स्ट्रक्चर, फ्लोक्युलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट बेसिक्स, फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन साइज, डायमीटर मास होता है, मोर साइज डायमीटर मोर, ग्रेविटेशनल फोर्स मोर। सर्फेस इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंडिंग ऑन सर्फेस एरिया, डायमीटर लेस सर्फेस एरिया मोर हो गया, सेल्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। नोट, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल डी मोर हैव लेस सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल डी लेस फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल ली, उसमें कोर्स ग्रेन्ड के पार्टिकल है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है, डायमीटर ज्यादा है इसलिए उसका सरफेस एरिया लेस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, डायमीटर ज्यादा है और सेल्फ इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल डायमीटर कम है सेम वॉल्यूम में, इसलिए उसमें पार्टिकल बहुत आते हैं, इसलिए सरफेस एरिया मोर होता है, सेल्फ इलेक्ट्रिक फोर्स मोर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स लेस होता है। डी डायमीटर ऑफ स्पेयर पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई बाय 6 डी क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यस यस, सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम होता है। तो नोट क्या है, साइज डी ज्यादा हो गई तो सरफेस एरिया कम होता है, तो सेल्फ इलेक्ट्रिकल एरिया भी कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साइज डायमीटर ज्यादा होगा तो सेल्फ इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये बेसिक, उसके बाद हम देखने वाले कि कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। कोर्स ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द सॉइल हैविंग पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 20 माइक्रोन, एग्जांपल ग्रेवल सैंड एंड कोर्स सिल्ट होता है, 20 माइक्रोन के ऊपर का इसमें है। स्ट्रक्चर में जब हम सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में हम जब जानकारी लेते हैं, उसमें 20 माइक्रोन के ऊपर का होता है, वो कोर्स ग्रेनाइट स्ट्रक्चर के अंडर आता है। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल एंड सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर इनसिग्निफिकेंट नेग्लिजिबल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सॉइल सॉलिड सेटल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ देयर ओन वेट ड्यूरिंग देयर डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन लीडिंग टू पार्टिकल कॉन्टेक्ट। सच सॉइल डज नॉट शो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी एंड आर लेस कॉम्प्रेसिबल बिकॉज लेस वायर्ड्स कोर्स ग्रेनाइट सॉइल, क्योंकि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज वो दिक्कत ही नहीं, लेस कॉम्प्रेसिबल होती है क्योंकि उसमें जो वायर्ड होते हैं तो लेस वायर्ड होते हैं इसलिए। उसके बाद जो होते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर आता है, क्या होता है हनीकॉम में, दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द सॉइल हैविंग पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 20 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन, एग्जांपल वेरी फाइन सॉइल्स, फाइन सिल्ट एंड क्ले। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बोथ प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल एज बोथ आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हेन द सॉइल सॉलिड सेटल्स डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ देयर वेट सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होल्ड्स दिस सॉलिड्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ हनीकॉम इंक्लूडिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन बिटवीन देम। मक्खी जितनी है, मक्खी का जो घर होता है उस घर की जर इधर वायर बनते हैं हनीकॉम्ब, इसलिए हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक एक से जुड़ते हैं, इसलिए क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती है रिएक्शन लेने की, क्योंकि परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, परमेबिलिटी मतलब वाटर कैन भी पास और कॉम्प्रेसिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये स्ट्रक्चर इज अनब्रोकन, कब अनब्रोकन हो सकता है, अनब्रोकन मतलब ब्रोकन ही नहीं हो सकता, अनब्रोकन लोड कैरिंग कैपेसिटी हाई होती है, परमेबिलिटी हाई होती है, वायर साइज हाई होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी तब लो होनी चाहिए, ठीक है। और इफ स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, स्ट्रक्चर ब्रोकन होता है मतलब क्या, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है एंड परमेबिलिटी डिक्रीजेस एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी इंक्रीजेस, कॉम्प्रेस बहुत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हनीकॉम स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद आता है फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। फ्लॉक्युलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल आर लेस देन 0.2 माइक्रोन, एग्जांपल फाइन क्ले होता है, कोलाइड्स होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस प्लेस प्रीडोमिनेंट रोल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इनसिग्निफिकेंट नेग्लिजिबल, दिस फाइन ग्रेन्ड सॉइल कंसिस्ट ऑफ टाइनी प्लेटलेट्स विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, जनरली पॉजिटिव चार्ज एट एजेस एंड नेगेटिव चार्ज एट सेंटर, पॉजिटिव चार्जेस एजेस, नेगेटिव चार्ज एट सेंटर, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन द प्लेटलेट्स ड्यूरिंग द डिपोजिशन फ्लॉक्युलेंट और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर मे बी फॉर्म्ड।
Plocculant structure क्या होता है? If net electrical potential during the deposition is attractive, then plocculant structure forward. In this structure, soil platelets are arranged in edge to edge or edge to face orientation. ठीक है, E to E, E to F. Dispersed structure. If net electrical potential during the deposition is repulsive, then dispersed structure formed. In this structure, soil platelets are arranged in face to face orientation. Face to face orientation. Note, with increase in concentration of dissolved minerals in water during deposition, tendency of formation of plocculant structure increases. That is, seawater marine clay होता है. In fresh water lakes, generally dispersed structures are formed. ठीक है, नोट क्या है? With increase in concentration of dissolved mineral in water during deposition, tendency of formation of plocculant structure increases. Seawater marine clay. In fresh water lakes, generally dispersed structure formed. Plocculant structure क्या होता है? Wire जो को edge to edge होता है या edge to face होता है? Edge to edge, edge to face. A face हो गई, edge हो गई. तो edge to edge और edge to face wired हो गए. उसमें क्या होता है? Wired size larger होती है. Permeability more हो गई, load carrying capacity more हो गई, compressibility less हो गई. Edge to edge और edge to face. Marine clay sea water. इसमें dispersed structure में क्या होता है? Permeability less होती है, तो compressibility more हो गई, load carrying capacity less हो गई, compressibility more, load carrying capacity less. Face to face orientation, fresh water lakes होता है. तो ये हो गया प्लोकुलेंट और dispersed structure के बारे में. उसके बाद आगे हम जाने वाले हैं स्क्रीनशॉट लिया ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिट सॉइल इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव परसेंटेज, दैट इज परसेंटेज ऑफ कोर्स ग्रेनाइट एंड फाइन ग्रेनाइट इन होल सॉइल. ठीक है, उसमें दो होता है क्लासिफिकेशन, कोर्स ग्रेनाइट स्केलेटन और सिंगल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. व्हेन पोर्शन ऑफ द कोर्स ग्रेनाइट पार्टिकल आर मोर देन फाइन ग्रेनाइट पार्टिकल सॉइल इन मिक्स, कोर्स ग्रेनाइट पार्टिकल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इट इज लेस कॉम्प्रेसिबल बिकॉज लेस वायर्स. लेस वायर्स होती है, कोर्स ग्रेनाइट होती है इसलिए, तो फाइन सॉइल लेस, हेंस लेस वायर्ड. कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, व्हेन पोर्शन ऑफ द फाइन ग्रेनाइट पार्टिकल्स आर मोर देन कोर्स ग्रेनाइट पार्टिकल्स, कोर्स ग्रेनाइट पार्टिकल्स आर इन नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दीज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल बिकॉज इट हैव मोर वायर्स. फाइन पार्टिकल्स मोर, हेंस मोर वायर्स. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिट सॉइल हो गया. स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिट सॉइल में कोर्स ग्रेनाइट स्केलेटन और सिंगल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर हो गया, कोहेसिओमेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, उसके बाद आता है क्ले मिनरोलॉजी क्या है. देखो, ऑल द क्ले मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ फॉलोइंग टू फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स. सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट होता है, सिलिका यूनिट क्या होता है, और ऑक्टाहेड्रल यूनिट होता है. तो ये क्या है इसके बारे में हम देखने वाले हैं. सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट, स्क्रीनशॉट लो. सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट, इन दिस यूनिट फोर ऑक्सीजन आइटम इंक्लूड्स सिलिका एसआई आइटम एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सच दैट ऑल द ऑक्सीजन आइटम्स एट द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लाइज इन सेम कॉमन प्लेन एंड इट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू टेट्राहेड्रल यूनिट एंड इट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू टेट्राहेड्रल यूनिट. ठीक है, फ्री ऑक्सीजन हो गया है, शेयर्ड बिटवीन टू सिलिका यूनिट. शेयर्ड होता है टू सिलिका यूनिट में, टू सिलिका मतलब इधर ज्वाइन हो सकता है, इधर ज्वाइन हो, इधर शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन. कॉमन प्लेन थ्री ऑक्सीजन हो गया. नेट चार्ज ओवर वन सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट कितना आता है? माइनस टू प्री ऑक्सीजन के ऊपर हो गया, फ्री ऑक्सीजन. ठीक है, माइनस वन माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस वन माइनस वन शेयर्ड ऑक्सीजन. उसके बाद प्लस फोर हो गया सिलिका, तो इसका इतना सम किया तो कितना आ गया? माइनस वन आ गया. नेट चार्ज ओवर एन ओवर वन सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट माइनस वन आ गया. दिस यूनिट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज ट्रैपेजियम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट क्या होता है. देखो, ऑक्टाहेड्रल यूनिट स्क्रीनशॉट लो. इन दिस यूनिट सिक्स हाइड्रोक्सिल आइटम ओएच माइनस एनक्लोजेस आइदर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और आयरन एल थ्री प्लस एमजी टू प्लस एपी टू प्लस एपी थ्री प्लस एट द सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है ये. इफ एल थ्री प्लस इज प्रेजेंट एट सेंटर देन यूनिट इज कॉल्ड गिब्साइट यूनिट. इफ एमजी टू प्लस प्रेजेंट एट सेंटर देन यूनिट इज कॉल्ड ब्रुसाइट यूनिट. इफ आयरन एफ टू प्लस एपी थ्री प्लस इज प्रेजेंट देन यूनिट इज कॉल्ड थेराइट यूनिट. नोट हाउएवर मोस्ट कॉमन इज गिब्साइट यूनिट. गिब्साइट मतलब एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट एट सेंटर. ईच हाइड्रोक्सिल आइटम ओएच माइनस इन दिस यूनिट इज शेयर्ड इन बिटवीन थ्री ऑक्टाहेड्रल यूनिट. थ्री ऑक्टाहेड्रल यूनिट शेयर्ड बिटवीन थ्री ऑक्टाहेड्रल यूनिट. एट फेसेस होते हैं ओएच ओएच. नेट चार्ज इन गिब्साइट यूनिट कितना होता है? एक्स ए थ्री प्लस पे एट वन ओ एच माइनस वन होता है, बट शेयर्ड बाय थ्री यूनिट, सो शेयर्ड बाय थ्री यूनिट होता है एक ओ एच.
तो -1/3 आ गया। तो नेट चार्ज इन गिब्साइट यूनिट कितना आ गया? नेट चार्ज इन गिब्साइट यूनिट आ गया क्योंकि 6 हाइड्रोजन एटम इंक्लोजेस विद आइदर एल्यूमिनियम एटम होता है, तो 6 × -1/3 तो प्लस 6 × -1/3 व्हिच -3 एज रूल इज इक्वल +1 आ गया। तो दिस यूनिट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर आईसा, बाय रेक्टेंगल से आईसा हम रिप्रेजेंट करते हैं गिब्साइट क्योंकि एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट एट सेंटर। एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नोट दिस टू बिल्डिंग ब्लॉक्स कंबाइंस विद ईच अदर इन डिफरेंट ज्योमेट्री लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्ले मिनरल। दिस टू ज्योमेट्री कैन बी कंबाइन करके हम अलग अलग क्ले मिनरल देखते हैं। तो ये क्या है आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट लो। कैवोलाइट, कैवोलोनाइट क्ले मिनरल 1s1। इट इज फॉर्मड व्हेन 1 ऑक्टाहेड्रॉन यूनिट जॉइंस विद सिलिका टेट्राहेड्रॉन यूनिट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। थिकनेस ऑफ 1 यूनिट इज अप्रोक्सिमेटली 7 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ मीटर। गिब्साइट दिस इज अबाउट सिलिका टेट्राहेड्रॉन यूनिट 1:1 प्रोपोर्शन 7 आर्मस्ट्रॉन्ग ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। Several such units combines with each other by strong hydrogen bond, which is difficult to displace off. As the result of which, soil having kaolinite mineral shows relatively less swelling and shrinkage property. Hence, activity is less 0.4 to 0.5. Example: China clay is the purest form of kaolinite clay mineral. ठीक है, strong hydrogen bond होता है उसमें। उसके बाद आता है Monto Morillonite clay mineral 2s1. It is also called smacksite 2s1. इसमें क्या होता है? It is formed when an octahedron unit is sandwiched in between silica tetrahedron unit, resulting in the structure having thickness 9.6 armstrong. Octahedron unit दो tetrahedron के बीच में sandwich होता है 9.6 armstrong. In this clay mineral generally L3+ present at the center of octahedron unit होता है। Screenshot लो। Several such units combines with each other by weak water bond, which permits easy displacement of molecules. ठीक है, therefore such soils present maximum swelling and shrinkage property. Weak water bond से होता है, इसलिए maximum swelling and shrinkage आ गया, तो hence activities maximum 1 to 7 आ गए। Example black cotton और bentonite soil आ गई। उसके बाद आता है last का clay mineral होता है, जब हम octahedron और tetrahedron की combining करते हैं, तो जो clay mineral है, उसमें last mineral है third illite clay mineral 2s1. Structure of illite is the same as Monto Morillonite, but in case of illite, more than 20% of silica atom of silica tetrahedron unit is replaced by aluminum atom Al3+. Thickness is approximately 10 armstrong. Gibbsite, octahedron, tetrahedron, 10 armstrong. Several such units are joined together by ionic bond K+, in which K+ ions are present. ठीक है, since ionic bond is stronger than water bond and weaker than hydrogen bond. Ionic bond is stronger than water bond and weaker than hydrogen bond. Therefore, illite clay mineral represent medium swelling and shrinkage. So, illite clay mineral जो होता है तो medium swelling and shrinkage होता है. Activity 0.5 to 1. Activity कितना आ गई? 0.5 to 1 आ गई. क्योंकि ये medium swelling and shrinkage का था. Activity 0.5 to 1 आ गई. Example क्या आता है? Alluvial soil river. Example alluvial soil river आता है. Gibbsite, silica tetrahedron. ठीक है? K plus ionic bond से जुड़ गए. K plus. नोट देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन आयोनिक बॉन्ड होता है और आयोनिक बॉन्ड इज ग्रेटर देन वाटर बॉन्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन और स्ट्रॉन्गर देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हम क्लासिफाई कर सकते, उसमें एक दो प्रकार के एमसीक्यू आ सकते हर अलग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, तो इतना याद रखो। उसमें छोटे छोटे जो एमसीक्यू के वर्ड लाइन है वो याद रखो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ध्यान दो, एक दो बार अपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि वन लाइन कैसा बन सकता है क्वेश्चन। इसमें कोई डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कोई फिगर नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मुझे बताओ कि मेरा आपको ये वीडियो कैसे लगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए घंटी को भी क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।